दो शब्द पहले मैं अपने मौलाना साहब से कहूँगा, इमाम साहब से। दरअसल हम चाहते हैं कि ये दूरियाँ कम हों, हम मिलजुल के अपने सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। और इसमें धर्म गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरुओं का, रिलीजियस स्पिरिचुअल जो गुरु हैं उनका, इमामों का, मौलानाओं का, साधु संतों का बहुत बड़ा ये उत्तरदायित्व है। तो पहले मैं इमाम साहब से बोलूँगा, वो दो शब्द आज के इस मौके पर भी कहें और हम सब मिलकर के कैसे एक सबका सुंदर जीवन हो, कैसे हमारा सुंदर देश हो, उसके बारे में और योग के बारे में दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम। मैं अनजान शहीद मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज की इस सरजमीन पे योग गुरु बाबा रामदेव जी का पुरतपा खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही इनके ज़रिए दिए गए पैगाम को अपना पैगाम समझते हुए आप तमाम ही लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग योग से जुड़ करके अपनी सेहत का ख्याल करते हुए, समाज सेवा करते हुए देश के निर्माण में अपना योगदान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज एक बार पुनः हम स्वामी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति के परिचायक अनजान शहीद की इस माटी में, जिसके लिए आजमगढ़ में हम हमेशा से यही कहते हैं कि हम सब अपने सत्कर्मों से मिले जुले सब धर्मों से, तेरी उतारें आरती, जय जननी जन भारती, जय जननी जन भारती। आज मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में जो 1959 से 1959 से विद्या की, ज्ञान की, नॉलेज की मशाल जलाए हुए है, जहाँ पर लगभग 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं पहली बार आजमगढ़ आया हूँ। आजमगढ़ के बारे में अच्छा और बुरा दोनों बहुत सुना हुआ था। राहुल सांस्कृतायन जी के बारे में, हरिओध जी के बारे में, और यहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विरासत और भाईचारे के बारे में भी सुना, तो कुछ दूसरी भी बातें सुनी। लेकिन मेरे मन में सदा ये भाव रहता है कि हम सब सबसे पहले इंसान हैं और भारतवासी हैं, और उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, मूलतः हम सब भारतवासी हैं। और जब आजमगढ़ के शिविर की शुरुआत की बात हुई, तो कल तो बड़ा शिविर है जहां पर 50,000 लाख लोग भाग लेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत आज मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज से करके मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत से मुस्लिम भाइयों ने मेरा 2009 में देवबंद में जब भाषण हुआ था हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, उसको कहीं ना कहीं, वैसे तो करोड़ों लोगों ने YouTube आदि पर उसको सुना, और मैंने वहाँ पर सबसे पहला वाक्य यही कहा था कि मजहब चाहे हमारे अलग हो जाएं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा वतन एक है, हमारी संस्कृति सभ्यता एक है, हम इस धरती पर बढ़े पले हैं और आपस में हम प्रेम और भाईचारे से रहते हुए अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं और अपने देश को सब मिलकर के कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये मूल भावना होनी चाहिए हमारी। आज हमारे इस सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं मिर्जा आरिफ बेग जी, वो देखने में ही बहुत खूबसूरत इंसान है, एक बार उनके लिए ज़ोरदार अभिनंदन। प्रधानाचार्य हमारे मोहम्मद शाहिदीन और श्रीमती इशरत जहां, और हमारे डॉक्टर अशद इमाम साहब जो यहां के सबसे बड़ी ईदगाह के इमाम हैं, और इन सब के साथ साथ मैं मिर्जा अरफान बेग, मिर्जा एहसान उल्ला बेग स्वर्गीय,
और स्वतंत्रता सेनानी, हिंदू मुस्लिम एकता के मसीह, और उन सब के संयुक्त प्रयास से, इन सब के आशीषों से आज का ये हम योग आरंभ कर रहे हैं। अब मैं योग के बारे में और अपने टीचिंग्स के बारे में कुछ बातें कह करके फिर आगे का कार्य शुरू करता हूँ। मैं मूलतः योगी हूँ और बाकी मेरा जीवन उस योग का विस्तार है। योग माने खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, योग माने जिससे हमारा शरीर अच्छा होता हो, हमारा मन पवित्र रहता हो, हमारी आत्मा, हमारा जो सोल है, हमारी जो रूह है, वह जिससे पावन पवित्र पाक होती हो। सबसे बड़ी बात, हमारा जीवन जिससे अच्छा होता हो, वो योग। तो मैं सुबह सुबह योग करता हूँ और दिन भर कर्म योग करता हूँ। मेरे विषय हैं हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और देश की सब प्रकार से प्रॉस्पेरिटी, सब वर्गों की, सब तबकों की, सारा देश कैसे आगे बढ़े, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, सामूहिक समृद्धि। देखो दुनिया के छोटे छोटे मुल्क कितनी उन्नति कर रहे हैं, इजराइल की आबादी हमारे आजमगढ़ से डबल है, माने यहाँ की 40-45 लाख कितनी, वहाँ की 80 लाख, आजमगढ़ से दुगनी आबादी होगी इजराइल की। वो सारी दुनिया में, मैं उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारी दुनिया में एक अपना रुतबा रखता है। जापान एक छोटा सा मुल्क है, हमारे यूपी में तो 10 जापान बन जाएं, लेकिन उस जापान का रुतबा पूरी दुनिया में है। यूके एक छोटा सा मुल्क है जिसने 70 से ज़्यादा देशों पर राज किया। ऐसे में छोटे छोटे देशों और बड़े बड़े देशों को, मैं तो मॉरिशस जो सबसे छोटा सा एक देश है जिसकी आबादी 15-20 लाख है, आजमगढ़ से आधी से भी कम है, मॉरिशस जैसा देश से लेकर के अफ्रीकन देश, साउथ अफ्रीका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से जापान और चीन से लेकर के मैंने पूरा अमरीका और यूरोप, यूके, यूएसए सब को देखा। मैं अपने वतन को देखता हूँ कि हमारा वतन कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं कई दिशाओं से प्रयास करता हूँ। सबसे पहले योग की बात करते हैं, फिर उसके साथ साथ दूसरी जो भी विषय आएंगे उनमें आपसे संवाद करते जाएंगे। योग कहाँ से शुरू करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रार्थना वाला पार्ट है ये हमको समझ में नहीं आता, तो किसी को समझ में ना भी आए तो हम एक मंत्र से शुरू करते हैं, एक विचार से, एक संकल्प से कि हम साथ में मिलकर के चलें। तो मेरे साथ में संगच्छध्वम, साथ साथ चले, संवदध्वम, एक स्वर में हम सत्य, जो सच है, जो ट्रुथ है, सच्चाई के मार्ग पर, नेकी के मार्ग पर, उसी को नेकी को, सच्चाई को धर्म बोलते हैं हम, पंथ बोलते हैं, मजहब बोलते हैं, उस पर आगे बढ़े। संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे भाव एक हो, नेक हो, हम सब मिल करके आगे बढ़े। इंटरनेशनल योग डे के ऊपर भी ऐसे एक प्रोटोकॉल बनाए कि भाई ऐसे बोल करके योग शुरू करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे साथ बोलेंगे, ओम संगच्छध्वम, संवदध्वम, संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम ईश्वर, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान के नाम से सब काम शुरू करें, सब मिलजुल करके रहें और सब साथ में प्रगति करें, उन्नति करें और एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व के सद्भाव से आगे बढ़े, इसका अर्थ था। अब हम योग में जिन क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं उनमें सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ऐसे तो मैं करीब 15-20 प्रकार की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, वो बताता हूँ, लेकिन उसमें जो 4-5 सबसे महत्वपूर्ण है वो पहले सिखाता हूँ।
अब लंबा गहरा श्वास लेना यहाँ फेफड़े तक, फिर छोड़ना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, धीरे धीरे करना। और जो जवान है वो तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे। जिसकी जैसी मर्जी हो कर लेना। अब इसके फायदे सुनो। हर काम हम फायदे के लिए करते हैं। किसी को सांस, किसी को दमा, किसी को एलर्जी, किसी को साइनस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। जब मौसम चेंज होता है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सर्दी, जुकाम, कफ, नजला अक्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। यदि हम रोज भस्त्री का प्राणायाम करें और गिलोय एक छोटी सी औषधि उसका सेवन कर लें, तो जिंदगी में आपको कभी सर्दी, जुकाम, बुखार भी नहीं होगा। बड़ी बीमारी की तो बात ही छोड़ो। तो हम क्या कहते हैं, सुबह उठ करके थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, और ये आपके पड़ोसी कहीं से तोड़ के लाए, ये गिलोय नाम की एक औषधि है, इसको पी लो। अब सांस लेने से और गिलोय पीने से आप 100 साल यदि एक तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कभी आपको सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, बुखार भी नहीं होगा। इससे मोटापा नहीं होता है, इससे बीपी शुगर नहीं होता। और हो मोटापा, हो बीपी शुगर, तो गिलोय, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिन हम खिला देते हैं, पहले दिन से शुगर की गोलियां बंद, इंसुलिन बंद, और आपका शुगर 100% कंट्रोल। तो इससे और बेहतर बात क्या हो सकती है। छोटी छोटी बातें हम बताते हैं ऐसे। खैर, एक ये भस्त्री का प्राणायाम, हमारे बच्चे और हमारी बेटियां हैं यहाँ पर, सब का यदि लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा मजबूत होगा, तो जिंदगी में आपको कभी कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी। नहीं तो सर्दी, जुकाम, कफ, नजला तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये भस्त्री का प्राणायाम है इसका नाम। तो ये 2 से 5 मिनट जरूर करना। क्या नाम है इसका बोलो बच्चों? भस्त्रिका, ये नाम है इसका। जैसे धोकनी होती है ना, भस्त्रिका बोलते हैं, जैसे वो लोहार धोकने से और अपने लोहे को गर्म करके उससे अलग अलग औजार बनाता था, ऐसे ही तो होता है धोकनी में। तो ऐसे ही अपने धोकनी फूकना, ये भस्त्रिका हो गया। नाम इसका उस धोकने से लिया गया जो लोहार फूकता है। अब दूसरा, कपाल भाती। कपाल बोलते हैं माथे को, भाती बोलते हैं दीप्ति को, चमक को, ग्लो को, शाइनिंग को, जिससे चेहरा हमारा चमके वो कपाल भाती। वो ऐसे होता है, ये 2 प्राणायाम तो मैं सबको कहूंगा जरूर करना। एक तो कपाल भाती, डॉक्टर अशर साहब आपको भी करना है, मिर्जा साहब तो लग गए हैं अभी से। अब इसके फायदे सुनो, क्यों करना। देखो, सारी दुनिया कहती है कि हमारी बीमारियों के 3 बड़े कारण हैं। एक स्ट्रेस, दूसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरा ओवर ईटिंग या अनहेल्दी ईटिंग्स। ये 3 बड़े कारण हैं किसी भी बीमारी के। स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी और ओवर ईटिंग या अनहेल्दी ईटिंग। ये करो, सब बहनों को करना है। और इसके फायदे सुनो, क्या क्या फायदे हैं। इससे लीवर ठीक होगा। इधर है लीवर, राइट साइड में, इधर है स्प्लीन, बीच में 32 फीट लंबी आंत, 28 फीट लंबी छोटी आंत, 4 फीट लंबी बड़ी आंत। ये सारे एक साथ ठीक होते हैं। पुरुषों का प्रोस्टेट, मातों बहनों का यूट्रस, ओवरी, और पुरुषों के टेस्टिकल में भी कोई प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक होती है। किडनी स्टोन, गॉल स्टोन,
ओबेसिटी से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, गैस कब्ज एसिडिटी से लेकर के, पेट की तमाम बीमारियां, पाइल्स फिशर फिस्टुला से लेकर के, और ख़ास बात विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी, ये कई प्रकार की डेफिशिएंसीज होती हैं। अब खून की कमी होगी तो उसके लिए या तो खून चढ़ाना पड़ेगा, या आयरन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, या गोली खानी पड़ेगी। तो भाई ये क्यों ना कर लो, कोई आपको आयरन की गोली नहीं खानी पड़ेगी, कोई कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी, कोई विटामिन की गोली नहीं खानी पड़ेगी। करके देखो बेटो आप भी, इसको सांस को बाहर छोड़ना बिल्कुल ईजी है, ऐसे सीधे बैठ के आप करो, डरो मत, ये कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तो हाथों की मसल्स अच्छे बन जाते हैं, कुछ पैरों की मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, वो आगे मैं करवाऊंगा। हाथों की पैरों की एक्सरसाइज, घूमना, मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ना, अलग अलग प्रकार के खेल खेलना, तैरना, अलग अलग प्रकार के हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ये इंटरनल एक्सरसाइज है। आजकल जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी फिटनेस के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी एक्टिंग करने वाले लोग हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, और जो भी समझदार लोग हैं धरती के, वो सब योग करते हैं। क्यों? इससे तंदुरुस्ती अच्छी होती है। ये एक तंदुरुस्ती कैसी? शरीर की तंदुरुस्ती कैसी? मन की। बॉडी माइंड एंड सोल, अब इनको हिंदी में बोलेंगे तो शरीर, मन और आत्मा, इसको जिस्म और हमारा जो मन और हमारी जो रूह, इन सब को एक साथ जोड़ने वाला जो है वो योग है। मैंने ये करवा करके क्या क्या किया ये सुनो जरा। मैंने ये करवा करके लोगों का अर्थराइटिस ठीक कर दिया, इससे अर्थराइटिस ठीक हो जाता है, जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द कैसा? जिसमें अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सामान्य नहीं, सामान्य ज्वाइंट पेन नहीं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस। अभी मैं बिहार से आ रहा हूँ तो बिहार में काफ़ी बहने प्रमाण प्रूफ लेकर के आई, एविडेंस लेकर आई कि पहले हेपेटाइटिस था, ठीक हो गया, इससे हेपेटाइटिस ठीक हो जाता है, इससे कोलाइटिस, बार बार शौच जाना, कॉन्स्टिपेशन, शौच ना आना, गैस एसिडिटी, पाइल्स फिसर फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है, पेट में या यूट्रस में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी गांठ होती है, ट्यूमर उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ट्यूमर इससे खत्म हो जाता है। ये मैंने प्रैक्टिस की और करवाई, और इसके कितने फायदे, इससे मन एकदम शांत हो जाता है। 5 मिनट करोगे तो पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, मैंने कपाल भांति अनुलोम विलोम एक ही दूसरा प्राणायाम है, ये दो चीजें करने से मैंने हार्ट के ब्लॉकेज निकाल दी, नेचुरल बाईपास हो जाता है। जिनको हार्ट में ब्लॉकेज आ गए थे, मैंने ये दो प्राणायाम करवाए और लौकी का, दूधी का, घिया, कद्दू, कोई भी अलग अलग लोग बोलते हैं उसको, उसका जूस पिलाया और हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो गए। ये दो चीज, बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, थायराइड नॉर्मल हो गया, कपालभाति, और एक होता उज्जाई। थोड़ी देर अंदर श्वास भर के रोक के रख, और रोक करके फिर दाएं को बंद करके, थायराइड क्यों हो जाता है? अब तक पूरी दुनिया में देखो लाखों करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं लोग, 100 लाख करोड़ की दवाइयां और अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और ये न्यूट्रिएंट्स, ये
एक भी दवाई पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जिससे किसी का बीपी क्योर हो जाए। एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती। एक बार शुगर होगी, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। एक बार थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो अल्ट्रोक्सिन आदि जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। एक बार किसी को कोई भी बीमारी हो गई तो जिंदगी भर दवा खाओ, दवा खाते खाते शरीरी दवा खाना बन जाता है। पसीने से दवा की बदबू आने लगती है, लैटिन पेशाब से दवा की बदबू आने लगती है, बीमारी नहीं मिटती। पहले 50 mg लेते थे, बाद में 100, बाद में 200, बाद में 500 mg, डोज बढ़ जाएगी। डॉक्टर कहता दवा बंद नहीं करना ब्लड प्रेशर की, नहीं तो कभी भी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, मर जाओगे। इतना डरा के रखते हैं। वैसे अब तो डॉक्टरों को भी समझ में आने लग गया, वो खुद ही योग करने लग गए, तो उनकी भी ब्लड प्रेशर की भी दवाई छूट गई, थायराइड शुगर की कोलेस्ट्रॉल की दवाई छूट गई, तो मानने लग गए, नहीं तो पहले मानते ही नहीं थे। अब छोटी सी बात है। अच्छा बताओ, हाँ जी डॉक्टर अशर साहब, आप तो बहुत बड़े फिलोसोफर हो, धर्म के जानने वाले हो, मजहब के जानकार हो, अब ये करने से कोई मजहब पर फर्क तो नहीं पड़ता? पेट पर फर्क पड़ेगा, मजहब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये भी सांस लेने, सांस की क्रिया ही है, ये तो प्रक्रिया है, एक एक्सरसाइज है, एक मेथड है हेल्दी लिविंग का। करके देखो बेटियों, थोड़ा सांस को बाहर छोड़ो, आप घबराओ मत और परेशान मत, करके देखो। अशरथ साहब थोड़ा आप भी करके देखो, अच्छा लगेगा हमको, करते हैं। तो ये कपाल भाती, ये 10-15 मिनट रोज कर लेना। अरे साहब एकदम, पांच मिनट आप ऐसे लगातार करके देखो, और आप देखना मन एकदम शांत हो जाता है। जो जवान है वो तेजी से कर सकते हैं, बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, एक लेवल बढ़ता है, बहुत जबरदस्त है, और चेहरे पर ग्लो बढ़ता है क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है, कितना है बच्चों? 17.5। और लेडीज का तुम्हारा कितना रहता है ज्यादातर? ए बेटियों, किसी ने चेक करवाया है कितना रहता है? 10.5, 10, 11, 12, इसी में ज्यादातर निपट जाती हो। फिर बोलते बाबा जी कमजोरी लगती है, कमजोरी तो लगेगी जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो। जो बेटियां कपाल भाती करेंगी उनको कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। अब छोटी सी बात है, सेम टू यू। हाँ कभी सोच रहे हो कि स्वामी जी बेटियों को ज्यादा बता रहे हैं? बेटियों को तो इसलिए भी बता रहा हूं, 10-12 साल की उम्र के बाद बेटियों को पीरियड स्टार्ट हो जाता है, हर महीने उनको खून ब्लड लॉस होता है। यदि वो ब्लड लॉस पूरा नहीं होगा तो कमजोरी तो रहेगी, समझती है नहीं? फिर बोलते स्वामी जी क्या करें, कमजोरी है। कपाल भाती करो 5 दिन छोड़ करके पीरियड के, उसके बाद ही कपाल भाती करो, कभी भी खून की कमी नहीं रहेगी। छोटी छोटी बातें, माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम, पुरुषों को धातु रोग, शरीर की कमजोरियां, अब कमजोरियों को सब छिपाते हैं। अरे कपाल भाती कर लो, कोई कमजोरी नहीं रहेगी, इसलिए इसका नाम है कपाल भाती। माथे पर चमक उसी को होगी जिसका खून बढ़ा हुआ होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, जिसको कोई धातु रोग नहीं होंगे। ये कपाल भाती के तो इतने फायदे हैं, इसलिए मैं एक तो ये और एक ही अनुलोम विलोम, इसके बीच में दो और हैं, वो कपाल भाती
कि करने के बाद थोड़े अच्छे अच्छे होंगे। उज्जाई जिनको थायराइड है उनको जरूर बताते हैं, वो दो बीच के बताते थे, फिर अगला बताऊंगा। बाबा जी थोड़ा कठिन हो गया है, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं और रोक के रखते हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम है। ये भी डायबिटीज के लिए, पेट के लिए और ताकत के लिए प्राणायाम, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। ये पेट हल्का करने के लिए कपालभाति, और ये, और हम तो एक और क्रिया है वो प्रैक्टिस के बाद होती है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जाम है।